एक पैन में थोड़ा सा हमने एक चम्मच घी लिया है, उसके बाद जो ये श्रेडेड कोकोनट है, ये श्रेडेड कोकोनट हमें इसमें डालना है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मिल्क मेड, मैंने डाला इसमें मैं डालूंगी दूध, इलायची पाउडर। अब ये सब को मुझे फ्राई करना है, आपको इसमें क्रश्ड शुगर डालना है। शुगर ऑब्वियसली आप अपने स्वाद अनुसार डालोगे, सो इट इज स्लोली चेंजिंग द कलर, इफ यू कैन सी। आप जैसे जैसे इसको फ्राई करोगे ये कलर चेंज होता जाएगा, और हल्का जब एक ब्राउनिश कलर सा आएगा तब इसको समझना होगा कि ये आपका हो गया, बट जलाना नहीं है। ये नारियल का जो मिक्सचर है वो रेडी हो। पीठे का जो रैपर है उसको बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी मैदा, क्रश्ड शुगर, मिल्क और ये है सूजी। इन सब को मिला के हम लोग को एक पतला सा बैटर बनाना होगा जिससे हम उसका रैपर बनाएंगे। तो इसमें पहले हम डालेंगे मैदा, फिर डालेंगे इसमें हम सूजी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे क्रश्ड शुगर। जितना मैदा लेंगे उसका हाफ सूजी लेना है, शुगर जो है वो आपको अपने स्वाद अनुसार लेना है, लेकिन जनरली जितना सूजी लेते हैं उतना ही शुगर लेते हैं, लेकिन किसी को अगर ज्यादा मीठा पसंद हो, कम मीठा पसंद हो, उस हिसाब से बोलो बना सकते हैं। और ये मिल्क के साथ इस बैटर को रेडी करना है। तो अब हम इसे ये इससे अच्छे से मिलाएंगे। एक नॉनस्टिक पैन हम लोगों ने लिया, अब इसमें आपको हम इसको थोड़ा सा ऑयल में एंड थोड़ा सा घी में बनाएंगे। आप चाहे तो पूरा ऑयल में भी बना सकते हैं या पूरा घी में भी बना सकते हैं। ये घोल की जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसा होना है। इसके बाद आप डिपेंड करता है आपको कितना थिक बनाना है, उस हिसाब से आप ये घोल को पोर करोगे तवा पर। जिसको एकदम पतला चाहिए वो एकदम थोड़ा सा डाल के स्प्रेड करेगा, जिसको थोड़ा पराठे जैसा चाहिए वो थोड़ा सा ज्यादा डाल के स्प्रेड करेगा, वो मैं भी आपको दिखा दूंगी। इसे बनाया है इसे छोटा कटोरा से आपको डालना है स्प्रेड करके, साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हो। देखिए जब ये छोड़ने लगे तो इसमें आपको ये फिलिंग देना है नारियल वाला। अब इसमें हमने जो फिलिंग बनाया है नारियल का, इसको हमने अच्छे से दे दिया है, और इसे एकदम धीमे आंच में जैसा है वैसे होना है, पकना है, उलट के देखना है। देखिए ये बिल्कुल हो गया है। अब इस रैपर को दोनों तरफ से फोल्ड करना है, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। देखिए कितना क्रिस्पी सुंदर आपका पीठा रेडी हो गया। अब ये रेडी टू सर्व। इस तरह से आपको बाकी सारे जितना आप चाहे बना सकते हैं। पार्टीशन का पीठा रेडी टू बी सर्व। अब इसको एक प्लेट में आप कर दीजिए। आप इसे एक स्टोरिंग जार में स्टोर कर सकते हो जैसे मैंने किया है, बाहर रख के आप 3 से 4 दिन तक आराम से खा सकते हो, और अगर रेफ्रिजरेट करो तो इसको 10 से 15 दिन तक भी चला सकते हो, क्योंकि थोड़ा मेहनत वाला है, तो एक साथ आप कई कई पीसेस बना लोगे तो ये आपके काम आएंगे। तो ये है पार्टी शॉप का पीठा।